हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोसर में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 4। और इस चैप्टर में हम लेने वाले हैं आज पार्ट नंबर सेवन, क्योंकि पार्ट नंबर 6 तक मैंने आपको पिछले वीडियोज में करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लें, क्योंकि आज जो हम लेकर आए हैं वो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं जो अब से पहले बोर्ड में आ चुके हैं। वही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इस सीरीज़ में आज की में। और दोस्तों, ये तभी समझ में आएंगे जब आपने हमारे पिछले वीडियोस देख रखे हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं हमारे, तो उनको प्लीज़ आप ज़रूर देख लें, और उनमें जो भी फॉर्मूले आए हैं उनको आप एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें, क्योंकि बिना फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स आपको प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम आज का स्टार्ट इम्पोर्टेंट सेशन। तो लेते हैं हम एक क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मनोज सर, गुरुमंत इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और लेते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये 2015 में एक नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10^-6 के 6 टेस्ला है। तार में विद्युत धारा ज्ञात की, यानी कि हमारे पास एक तार है, ठीक है, और उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 10^-6 है, टेस्ला है, ठीक है। तो तार में विद्युत धारा निकालनी हमको कितनी होगी। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए करते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या हमको गिविन वैल्यू है, दिया है। तो क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि आर बराबर दे रखा है 2 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 2×10^-2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है हमें बी, क्या दे रखी है, 10^-6 टेस्ला, ठीक है। और तार में विद्युत धारा ज्ञात करनी है, तो क्या ज्ञात करनी है इसको यहाँ लिख देते हैं, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, धारा आई निकालनी है आपको, विद्युत धारा आई, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसका हम सॉल्यूशन, यानी कि हल करते हैं क्वेश्चन को। क्या है देखिए, सबसे पहले हमें अगर धारा निकालनी है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है हमें, ठीक है। तो कह सकते हैं कि एक, अगर मान लीजिए कोई सीधा तार है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उससे कुछ दूरी r पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, B=μ0/2πi/r, ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर विद्युत धारा I का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, B का मान हमें क्या दे रखा है, 10^-6 दे रखा है, और μ0/2π का मान होता है 2×10^-7, और विद्युत धारा I हमको ज्ञात करनी है, और R का मान भी हमको दे रखा है 2×10^-2 मीटर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए I की वैल्यू क्या रही है, ठीक है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कितना है, ठीक है दोस्तों, जल्दी बताइए कमेंट करके क्या है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, यहाँ से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अपना आंसर। सभी स्टूडेंट्स सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना आंसर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन लेते हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। दिए गए चित्र में एक सीधे चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो कितनी धारा है इसमें, 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है 2.73 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो देखिए ये दूरी क्या है, यहाँ से 2.73 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है, ठीक है, और पी है, और इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, यानी पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये यूपी बोर्ड 2012 में 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम इसको। देखिए क्या हमको दे रखा है, पहले हम लिख लेते हैं, दिया है, देखिए यहां से हमको दे रखा है धारा I का मान 2 एम्पियर,
दूरी हमको दे रखी है 2.73 सेंटीमीटर, यानी कि 2.73 × 10⁻²⁔ मीटर दूरी दे दी हमें। चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, क्या ज्ञात करना है, यहाँ लिख देते हैं ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है हमें बी, ठीक है, ये निकालना। अब करते हैं हम इसको हल, देखिए कैसे करेंगे। यहां पर जो तार दे रखा है हमें, ये अनंत लंबाई का तार दे रखा है, और दोस्तों याद कीजिए वो डायरेक्शन जहां पर हमने एक सीधा लंबा धारावाही चालक तार था और अनंत लंबाई का था, ठीक है, और उस पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, तो उसका डेरिवेशन लास्ट में क्या आया था, देखिए डेरिवेशन में क्या आया था, लास्ट में फॉर्मूला हमारा आया था फॉर्मूला बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4π आई अपॉन आर और साइन 5 1 प्लस साइन 5 2, ये था हमारा साइन, ये था हमारा फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। और इसमें देखिए दो चीज और हमको दे रखी है, यहां पर क्या दे रखा, देखिए मैं यहां लिख देता हूं इस चीज को आपको, देखिए इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये जो एंगल दे रखा है नीचे वाला, इसको हम 5 1 मानते थे जब डेरिवेशन किया था, तो इस हमने इसको 5 1 माना था, इस ऊपर वाले को 5 2 माना था, ठीक है, याद अगर आ रहा हो आपको कुछ, तो इसको 5 1 माना था, इसको 5 2, तो 5 1 का मान 60 है और 5 2 का मान 30 है, तो हम यहाँ लिख देता हूँ मैं इस चीज़ को, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 5 1 बराबर कितना है 60, और 5 2 का मान भी हमको दे रखा है इसमें क्वेश्चन में 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों, तो इतना हमको गिवन है। तो आइए इसके बाद हम करते हैं इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 4π का जो मान आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4π होता है 10⁻², के साथ, और धारा आई का मान हमें 2 एम्पियर दे रखी है, और आर का मान हमें कितना दे रखा है 2.73 × 10⁻²⁔ मीटर, और यहाँ से साइन 5 1 हमें 60 दे रखा है, और 5 2 हमको जो दे रखा है वो 30 दे रखा है, तो सारी वैल्यू मैंने रख करके यहाँ पर, ठीक है, और अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, देखिए क्या होगा, ये है ऊपर 1 यानी कि 2, और नीचे क्या है आपका 2.73, और ये जो बचेगा आपका 10⁻², देखिए -2 पर जाकर +2 हो गई, और 7 में से 2 जाएंगे तो 10⁻⁵ रह जाएंगे, ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू होती है साइन 60 √3/2 होती है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, ठीक। इसके बाद देखिए अब मैं यहाँ पर इस फिगर को रफ कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, अब इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब केवल इसको सॉल्व करना आगे की तरफ, देखिए कैसे करेंगे, 2 upon 2.73, और ये जो 10⁻⁵ है इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, और देखिए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 को हम एलसीएम कर देंगे, 2 को एलसीएम कर देंगे, और ये हो जाएगा √3+1 √3+1, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है, चलिए आगे करता हूँ मैं इसको, 2 upon 2.73 10⁻⁵ √3 की जो वैल्यू होती है 1.73 होती है +1/2 और 2 upon 2.73 × 10⁻⁵ और देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को ऐड कर देंगे तो 2.73 हो जाएगा अपॉन 2, और देखिए यहाँ से 2.73 से ये कैंसिल और 2 से ये कैंसिल, यानी जो बी जो आएगा आपका कितना आएगा 10⁻⁵ टेस्ला आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 का, तो आप इसको ज़रूर कर लें, ठीक है दोस्तों। इन क्वेश्चनों को आप जो आपकी नोटबुक हो जिस पर आप नोट्स बनाते हो, आप उसमें
नोट कर लिया करें ताकि आपको याद रहे कि कौन से क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। ठीक है दोस्तों, आप इनको अलग नोट करते रहें और इनकी बार बार आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं अब तक वो सारे के सारे बोर्ड में आए हुए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं यानी जो आ चुके हैं क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, कुछ और को छोड़ करके ज़्यादातर क्वेश्चन बोर्ड में वही रिपीट होते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें वही लेकर आता हूँ मैं जो अब से पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो आप इनको बार बार प्रैक्टिस करते रहें तो बोर्ड में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं हम एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, संलग्न चित्र में एक धारावाही फ्रेम ABC समबाहु त्रिभुज की आकृति में दिखाया गया है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई a है तथा इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। त्रिभुज के केंद्र व चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है ABC, समबाहु त्रिभुज है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होगी, और मान लीजिए एक भुजा की लंबाई a है तो बाकी की भी क्या होगी, a और a हो जाएगी। ठीक है, और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है त्रिभुज में। ठीक है, प्रत्येक भुजा में आई धारा प्रवाहित हो रही है, और देखिए यहाँ पर जो ओ बिंदु है ये क्या है, केंद्र है इस त्रिभुज का केंद्र। ठीक है, और इस केंद्र पर आपको इस त्रिभुज में प्रवाहित धारा आई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, केंद्र में निकालनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो दे रखा है ना, ये जो एंगल दे रखे हैं, ये वाले एंगल, जब आप इसका केंद्र निकालेंगे तो क्या करेंगे, कोणों का लंब अर्धक कर देंगे, क्या कर देंगे, अर्धक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाला कोण Φ1 और ये वाला कोण क्या है Φ2 यहाँ पर दे रखा है। अब इन Φ1 Φ2 के मान भी हमको निकालने होंगे। ठीक है, ज्यामिति से निकालेंगे हम, कैसे निकालना है वो भी देखेंगे। अब दोस्तों इस वक्त करना क्या, देखिए इस पूरे तार के कारण हमें क्या निकालना है, इस पूरे त्रिभुज के कारण केंद्र O पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम जानते हैं कि तार AB से भी ये समान दूरी पर होगा, BC से भी और AC भुजा से भी। ठीक है, तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होगा ये बिंदु। ठीक, और प्रत्येक तार की लंबाई बराबर है और धारा का मान भी क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब है कि जितना चुंबकीय क्षेत्र AB भुजा के कारण होगा बिंदु O पर, उतना ही BC के कारण आएगा, उतना ही CA भुजा के कारण केंद्र O पर आएगा। तो हम प्रत्येक भुजा का ना निकालकर किसी एक भुजा के द्वारा, ठीक है, किसी एक भुजा के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं, और उसमें हम 1, 2 और 3 साइड है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे त्रिभुज के कारण आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा इसमें करना क्या है। तो मैं किसी एक भुजा के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल करके बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं केवल AB भुजा के कारण निकाल देता हूँ केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र। तो कैसे निकालेंगे, देखो हल करते हैं हम इस क्वेश्चन को। पहले हम Φ1 Φ2 के मान निकाल लेते हैं। देखिए यहां पर लिखेंगे पहले दिया है, क्वेश्चन में लिख देते हैं पहले दिया है, क्या दे रखा है हमें, भुजा की लंबाई दे रखी है, भुजा की लंबाई a है। ठीक है, प्रत्येक भुजा में धारा आई है और हमें Φ1 Φ2 के मान भी दे रखे हैं, Φ1 और Φ2 के मान ये हम दे रखे हैं, मतलब इनडायरेक्ट वे में आपको दे ही रखे हैं, क्योंकि ज्यामिति से हम खुद निकाल सकते हैं इसे। देखिए कैसे निकालेंगे, मैं इसको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है ये, ठीक है, फिगर बिगड़ जाएगी इसलिए मैं अलग से बना के समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, और थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ इसको ताकि आपको बेटर समझ में आए। ये समबाहु त्रिभुज, इसको मैंने इस तरीके से कर दिया है अर्धक, इसका अर्धक कर दिया और इसका भी अर्धक कर दिया है। तो दोस्तों ये जो बिंदु आएगा यही है आपका केंद्र, और यहाँ पर ये एंगल आपको निकालने हैं, ये आपने Φ1 और ये आपने Φ2 मान रखा है, यही है ना, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है तो इसके प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है और तीनों कोण क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज होने के कारण बराबर होंगे। तो प्रत्येक कोण का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये 60, ये पूरा 60 और ये पूरा 60, और हमने कर दिया इसका अर्धक, लंब अर्धक। ठीक है, अर्धक करने से ये क्या हो गया, ये एंगल कितना हो जाएगा, इतना ये आ जाएगा 30 डिग्री, और ये आधा एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ रहा है।
और देखिए अब हम कौन सा लेते हैं, अब हम लेते हैं ये वाली फिगर ए, ये वाली, इतना केवल इतना त्रिभुज लेते हैं हम, इतना ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं हम केवल इतना, ठीक है आपको दिख रहा होगा इतना त्रिभुज लेते हैं हम। चलिए बाकी को मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो इस तरीके से हमारे 30 30 और बाकी 51 प्लस 52, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए ये एक त्रिभुज है तो इसके भी तीनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए 30 है, ये 30 है, तो 30 डिग्री ये वाला और 30 डिग्री ये वाला और ये 51 52 को अगर हम जोड़ दें, 51 प्लस 52, तो ये सबको मिलाकर क्या होना चाहिए, 51, ये 51 और ये 52, तो पूरा कितना हो जाएगा, 51 प्लस 52 हो जाएगा, ये एक ही है पूरा ये, ठीक है। इनको जोड़ करके 180 होना चाहिए, 30 और 30 60 प्लस, और ये 51 52 क्या है, लंब अर्धक होने की वजह से क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे, 51 52 बराबर। तो ये 51 52 को हटा कर मैं 51 लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 251 बराबर 180, और 251 यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो 251 का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस के 60, तो 251 आ जाएगा हमारा, 180 में से 60 गया तो कितना बचेगा, 120 बचेगा, और यहाँ से कट जाएगा 60 बार, यानी 51 का मान आ गया 60, ठीक है दोस्तों। और हम जानते हैं 51 52 क्या है हमारे, बराबर बराबर है, तो 52 का मान भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 51 52 को निकाल दिया दोस्तों, कितना आ गया ये 60 60 आ गए, ये 60 आ गया और 51 भी क्या है 60 है। तो इस तरीके से मैंने 51 और 52 निकाल दिया है, कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा, ओके। चलिए आई थिंक आपको समझ में आया होगा मैंने ज्योमेट्री से कैसे निकाला है इसको। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से और फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए 51 52 भी निकाल दी मैंने, क्या है यहाँ लिख देता हूँ मैं, रचना लिख देते हैं यहाँ पर, रचना, ठीक है, और किससे हुआ, ज्यामिति से आ गया ये, ठीक है, ज्यामिति से निकाला। अब हम करते हैं इसको हल, यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, देखिए एक तार है ये, ठीक है, तो सीधा धारावाही चालक तार है और उससे स्मॉल आर दूरी पर, अब दोस्तों ये जो दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी, इसको हम क्या मान लेते हैं, आर दूरी मान लेते हैं, ये क्या दूरी है, आर, तो आर दूरी पर बिंदु ओ पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे दोस्तों, लगाएंगे हम फॉर्मूला बी, इसको मान लेते हैं एक एक भुजा के कारण निकाल रहा हूँ मैं, तो क्या लगाएंगे, बी वन निकाल मान लेते हैं इसको, ठीक है, केवल ए बी भुजा की वजह से निकालना चाह रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैंने चुंबकीय क्षेत्र को बी वन मान लिया है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर और साइन 51 प्लस साइन 52, यही तो होता है फॉर्मूला हमारा परिमित लंबाई के लिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो हो जाएगा हमारा वो 10 की पावर माइनस के 7 आ जाएगा, या एक काम कीजिए इसको मत रखिए और फाइनल आंसर को म्यू नॉट और 4 पाई में ही निकाल देंगे हम, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखी है, ना आई दे रखी ना आई आर दे रखा, तो इसको भी नहीं रखेंगे, इसको भी ऐसे रहने देंगे, आंसर म्यू नॉट और पाई में ही दे देंगे हम। यहाँ देखिए साइन 51, तो साइन 51 60 है आपका और साइन 52 ये भी आपका 60 है, तो यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, साइन 60 का मान जो होता है रूट 3 बटे 2 होता है, और यहाँ भी साइन 60 है तो सेम आ जाएगा, अंडर रूट 3/2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना अगर आपको समझ में आया है तो आगे मैं करता हूँ यहाँ पर, तो बी वन का जो मान आ गया कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, देखिए अंडर रूट 3, यानी ये जब मैं अंडर रूट 3/2 में अंडर रूट 3/2 को कर दूंगा ऐड, तो ये दुगना 2 √3/2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बी वन का मान जो निकलेगा म्यू नॉट आई अंडर रूट 3/4 पाई आर आ जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ से मैं एक काम करूँगा, ज्योमेट्री से स्मॉल आर की वैल्यू भी निकाल दूंगा यहाँ से, ये आर हम निकाल सकते हैं ज्योमेट्री से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आर की वैल्यू निकालूंगा ज्योमेट्री से, ठीक, ज्यामिति का यूज करके आर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं क्या होगी। देखिए यहाँ से हम देख पा रहे हैं इसमें
कि अगर मान लें मान लीजिए मैं सिर्फ इतना ट्राइंगल लूँ, इतना वाला, ये वाला, इतना, सिर्फ इतने त्रिभुज की बात करूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एंगल कितना फाइ टू है और कोण के सामने, और ये फाइ टू का मान कितना आ गया हमारा 60 आ गया। तो कोण के सामने होता है लंब, ठीक है, और ये भुजा की लंबाई क्या है पूरी ए है, तो ये क्या होगी आधी दूरी होगी, यानी कि ए अपॉन टू हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि पूरी लंबाई क्या है ए है, ठीक, भुजा की लंबाई ए है, तो ये आधी दूरी क्या होगी ए अपॉन टू। अब देखिए हमको क्या दे रखा है, कोण के सामने लंब दे रखा है, ठीक है, और हमको क्या दे रखा आर, आर हमको निकालना है, और आर क्या है यहाँ पर आधार माना जाएगा, ठीक है, आधार, और हम जानते हैं लंब और आधार जो आते हैं वो टेन में आते हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे टेन लगाएंगे, टेन थीटा, तो टेन थीटा है फाइ टू, टेन थीटा होगा लंब बटे आधार, और लंब क्या है हमारा ए अपॉन टू है, बटे आधार क्या है हमारा आधार है स्मॉल आर, क्योंकि हमें आर निकालना है इसलिए आर को हमें लेना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूला इसी तरीके से लगाएंगे हमें कि उसमें आर आ जाए, ठीक। चलिए इसके बाद देखिए टेन 60 है, फाइ टू का मान रख देता हूँ मैं, टेन फाइ टू का मान रख देते हैं 60, और ये हो जाएगा ए अपॉन टू आर, ए अपॉन टू आर, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ से टेन 60 का मान रख देते हैं हम, और मैंने यहाँ पर इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं रफ कर दिया मैंने यहाँ से, और इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। टेन 60 की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट 3 होती है, और ए अपॉन टू आर, ठीक है, और यहाँ से जो निकालना है हमको क्या निकालना है, आर निकालना है, तो 2 अंडर रूट 3 आर इक्वल टू ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर बड़ा हो जाएगा ए अपॉन 2 अंडर रूट 3। तो इस तरीके से मैंने एक आर की वैल्यू निकाल ली है, और दोस्तों इस आर की वैल्यू कहाँ रख देंगे हम, समीकरण एक में रख देंगे, तो लिख देता हूँ मैं इसको यहाँ पर समीकरण एक में रखने पर, और जैसे हम इसको एक में रखेंगे तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र निकल के आएगा V1 म्यू नॉट आई अंडर रूट 3 अपॉन 4 पाई आर, और आर के लिए लिखेंगे हम ए अपॉन 2 अंडर रूट 3, और ये चला जाएगा दोस्तों ऊपर, ठीक है, यानी कि म्यू नॉट आई रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई ए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ से इतना आ चुका है, और इसको हम कर देते हैं आगे की तरफ और थोड़ा सा सॉल्व, म्यू नॉट आई, और ये अंडर रूट थ्री यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 अपॉन 4 पाई ए, और यहाँ से मैंने इसको कैंसिल कर दिया 2 बार, तो जो आएगा चुंबकीय क्षेत्र B1 का मान कितना जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो इस तरीके से मैंने भुजा AB के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी। अब मुझे जो निकालना है वो पूरे त्रिभुज के कारण निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी में ही पूरा आंसर हमारा आ जाएगा। तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ अब इसको, और अब कर देता हूँ इसको मैं यहाँ पर त्रिभुज के कारण, त्रिभुज के कारण केंद्र, या त्रिभुज के केंद्र पर लिख देता हूँ सीधे, त्रिभुज के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, बी कितना हो जाएगा 3 से गुणा कर देता हूँ मैं B1 में 3, और B1 का मान कितना है 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, देखिए 3 जो 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक, और इम्पोर्टेंट भी है और बोर्ड में आ चुका है, तो आप इसको ज़रूर कर लें। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, इससे अगले जो क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है, और भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हम लेकर आएंगे, इससे अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियो को शेयर कर दिया करिए,
ताकि जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। बच्चों को जोड़ना आपका काम है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल पर। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।